बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। मेरे साथ भी कुछ यही मामला है। अल्लाह हमारे मुख्तार भाई को सलामत रखे, क्योंकि मुझे फंसाने में इन्हीं का हाथ है। बहुत कैच कर, अल्लाह सलामत रखे। सबों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे भाइयों ने बहुत उम्दा पढ़ा, और मैं भी कुछ शेर, एक मतला और एक शेर मैं तेजी के साथ पढ़ता हूँ। मोहब्बत के साथ सुने, एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। सुनी के साथ। बड़ा ही खूबसूरत सा शेर, और जो लोग चले गए हैं उनको बहुत अफसोस होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ, मैं उनको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत जलील नात खा हूँ, बहुत जलील इंसान हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। जो लोग गए उनको ये शेर अगर उन्होंने नहीं सुना तो उन्हें बहुत अफसोस होगा, क्योंकि मैं ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस शेर को सुनने के बाद आपका कलेजी नहीं, आपका कलेजा बाहर होगा। मैं पहुँचाता हूँ, सुनिए। तड़पता है दिल, तरसती है आँखें। बहुत बेशक, बहुत मकबूल रहा ये कलाम, बहुत मकबूल रहा सोशल मीडिया पे, बहुत मकबूल रहा ये कलाम। मैं पहुंचाता हूँ, सुनिए। तड़पता है दिल, तरसती है आँखें, तड़पता है दिल और तरसती है आँखें। जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना, तड़पता है दिल और तरसती है आँखें। रुख से पर्दा हटा दीजिए ना, जरा रुख से पर्दा हटा दीजिए ना। है इतनी सी हसरत मेरे दिल की आका, है इतनी सी हसरत मेरे दिल में आका। मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए ना, नारे नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम कलीम दानिश, नारे हैदरी। दिल और तरसती है आँखें।
जवाब नहीं, आपके सिस्टम का जवाब नहीं, यकीन मानिए मेरे पास भी ये सब सिस्टम है, सब सिस्टम एक एक चीज है हमारे पास, हमारे भाई साहब भी यही करते हैं, लेकिन आपके भी सिस्टम का जवाब नहीं है, इतना शानदार बजा रहे हैं जिसका जवाब नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाम क्या है आपका? हसनैन साहब, माशाल्लाह, सदकाए हसनैन लूट रहे हैं तो क्यों? हसनैन नेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, आपका इंटरनेशनल साउंड है माशाल्लाह, थोड़ा सा ईगो कम कर दीजिए, बहुत अच्छा बज रहा है, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए, सूरज साहब के साहबजादे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। शेर सुनिए, सरकार को चले कत्ल करने, सरकार को चले कत्ल करने, कौन? उमर, उमर, उमर चले सरकार को कत्ल करने, लेकिन क्या हुआ? शायर का कलम उठता है और शेर मैं पहुंचाता हूं मोहब्बत के साथ, कहें या रसूलल्लाह, कह दीजिए चार पांच लोग हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सुनिए, सरकार को चले कत्ल करने के लिए क्या हुआ? नबी की नजर से नजर जब मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है। नबी की नजर से नजर जब मिली है, नबी की नजर से नजर जब मिली है तो तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है, तो तलवार ही हाथ से गिर पड़ी है। उमर हाथ बांधे, उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए ना। उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए ना। माशाल्लाह, आखिर वक्त है, सुने ना, आखिर वक्त है, आज से चलो मदीना को, है ना, वही हिसाब हो रहा ना मेरे साथ, बख्शेंगे नहीं, सुने माशाल्लाह। हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, खलीफ है हुजूर सैयद ज़ुहरे मिल्लत, हज़रत अल्लामा सूफ़ी मंसूर आलम साहब क़िबला अशरफ़ी तेगी ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसे ऊपर के जेब में रखता हूँ। मोहब्बत के साथ सुनिए एक और खूबसूरत सा शेर, पढ़ दें? अच्छा नहीं, अभी निकलेगा तो फिर गिर जाएगा नीचे, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। पढ़े शेर, ताज भाई पढ़े शेर, मोहब्बत के साथ सुनिए, कहिए या रसूलल्लाह। एक और खूबसूरत सा शेर पहुंचाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा शेर, और उलमा हमारे इस शेर को जरूर मचलेंगे। जो आशिके तादु शरिया है, जो आशिके आला हजरत है, वो कभी खामोश नहीं बैठे, क्योंकि ये शेर ही ऐसा। सुनिएगा ज़िया भाई, हमारे बड़े भाई आफताब आलम गयासी साहब, अच्छा इधर है, दिख नहीं रहे, चलिए ठीक है, एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ सुनिए। उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, उमर हाथ बांधे, अदब से ये बोले, और किसे अपना दुख दे गम को सुनाए, जिगर का भला जख्म किसको दिखाए, किसे अपना दुख दे गम को सुनाए, जिगर का भला जख्म किसको दिखाए, जिगर का भला जख्म
को दिखाए बरेली के मदरसा आला हजरत बरेली के मदरसा आला हजरत हमें फिर से अख्तर रसा दीजिए ना बरेली के बैठिए अभी सुनिए आप लोग इतने देर से अपनी अपनी शायरी सुना रहे थे अभी एक शेर मैं और पढ़ूंगा नहीं एक शेर पढ़ूंगा आप साथ में अच्छा अभी पढ़ेंगे एक शेर मैं सुनाता हूँ क्योंकि ये लड़की की शादी है लड़की की शादी है और लड़की के हवाले से एक शेर होना बहुत ज़रूरी है और यकीन माने हिंदुस्तान की इस्लाम की एक ऐसी शहजादी ने अभी रिसेंटली पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका बर्पा कर दिया था सिर्फ क्यों नकाब के लिए हिजाब के लिए और आज हमारी माँ बहनों को न जाने क्या हो गया है मैं हिदायत के लिए एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ सुनिए बहुत बड़ा और बहुत उमदा शेर सुनिएगा मोहब्बत के साथ है औरत